नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की राजनीति से जुड़ी बुलेटिन का। बंगाल में जारी है जंग, जाने मुकुल रॉय क्या बोले। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में सत्ता पाने की उम्मीद लगाए बैठे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है। टीएमसी को छोड़ बीजेपी में आए मुकुल रॉय का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। नादिया जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुकुल रॉय ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि टीएमसी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अब तक लोग बीजेपी से इसलिए दूर रहे क्योंकि वो समझने में चूक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जाने केरल में कितना चला बीजेपी का अल्पसंख्यक कार्ड। केरल में तीन चरण में हुए 1199 स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बुधवार को आएंगे। इनमें 941 ग्राम पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत, 14 जिला पंचायत, 86 नगर पालिका और 6 नगर निगम के सदस्यों के लिए चुनाव हुए हैं। निकाय चुनाव अगले साल शुरुआत में होने वाले केरल विधानसभा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने केरल में अपनी पैठ जमाने के लिए 612 अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशियों पर दाव लगाया है, जिनमें 500 ईसाई समुदाय से है और 112 मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार थे। वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। 1971 की जंग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। ये वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी है। सरकार को किसान संगठनों का लिखित जवाब, संशोधन स्वीकार नहीं, आंदोलन को बदनाम ना करें। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब दिया गया है। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करे और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करे। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हम अपनी मूल बातें पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में मौखिक तौर पर रख चुके थे, इसलिए लिखित जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत। किसानों की मांगों को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक सुबह 11:25 से शुरू हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चर को 60 लाख टन स्वीटनर के एक्सपोर्ट के लिए 6 रुपए प्रति किलोग्राम इंसेंटिव के हिसाब से लगभग 36 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। बता दें कि इंसेंटिव चीनी मिलों को गन्ना किसानों के बकाए को जारी करने में मदद करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए अब हर खबर पर अपनी नजर, इंडिया हॉट टॉपिक्स के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।